सो व्हाट्सअप गाइज, माई नेम इज सेंट्स एंड यू आर वॉचिंग द ब्लेंजर एक्स। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, ये फाइनल वीडियो है। तो गाइज ये वीडियो में मैं आप लोगों के फुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखो। और आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आ जाओ, वहाँ पे हम सारी बातें कर सकते हैं आपको जो भी इंक्वायरी करनी हो। तो गाइज मैं पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा जवाब दे देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मनीष सानी का, अरे सर पर ऊपर F9 को तो पहले बीटा मिल गया, पता नहीं क्या लिखा है, मिल गया, उसका तो फॉर्म भी फिल हो रहा है। हाँ भाई हाँ भाई यहाँ पे फॉर्म फिल होने लगा, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले तो एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि आर सीरीज़ को मिलेगा, पर कोई बात नहीं, एफ सीरीज़ को मिल गया और भी सारे सीरीज़ को मिल जाएगा। तो ब्रो प्लीज़ टेल डैट वॉल पेपर विच यू हैव अप्लाइड, आई रियली लाइक्ड इट। तो भाई ये वॉल पेपर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वॉलपेपर इस थीम का है, आप जल्दी से नाम देख लो, ये आप जल्दी से इसका नाम देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछा है कुणाल राजपूत ने, यू आर टू गुड, थैंक यू भाई। और उसके बाद आते हैं शुभम भाई ने पूछा है, भाई कब तक आएगा कलर ओएस 6 और एंड्रॉयड पाई का अपडेट। तो ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है, तो कलर ओएस 6 और एंड्रॉयड 9 पाई आपको इस महीने के एंड तक तो देखी जाए दिखने को मिल जाएगा सारे फोन्स में। और यहाँ पे बात आती है, भाई ओप्पो A3s में फ्री फायर खेलते हो भाई, क्या होता है अच्छा या बुरा? भाई फ्री फायर मैं पबजी खेलता हूँ यार, भाई पबजी स्मूथली चल जाती है, बस कभी के बाद थोड़े से फ्रेम ड्रॉप दिख जाते हैं, बट आपकी फ्री फायर जो है वो एकदम स्मूथली चलती है और आप खेल सकते हो। और यहाँ पे भाई रिसेंट टास्क ऐप नहीं कुछ और देखना चाहिए, देखो भाई देखो। और हाउ टू अपडेट, तो अब इसका मैं क्या कहूँ, हाउ टू अपडेट, अब आएगा अपडेट ऑटोमेटिकली, अब लेटेस्ट मोबाइल जो लॉन्च होंगे उसी में कलर ओएस 6 प्लस पाई देखने को मिलेगा, पुराने फोन्स में कोई अपडेट नहीं दिखने वाली। भाई दिखेगा अपडेट, क्यों नहीं दिखेगा, ओप्पो F9 को अपडेट मिलना चालू हो गया और हमारे ओप्पो A3s तो एकदम कंफर्म डिवाइसेस हैं। ब्रो ओप्पो F5 में आएगा अपडेट, तो अब मैं यहाँ से आपको एक दिखाना चाहता हूँ एक वेबसाइट। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस वेबसाइट को, यहाँ पे साफ साफ लिस्टेड है ओप्पो K1, ओप्पो रियलमी 2, ये सब तो रियलमी को छोड़ो, A7X, A7X और R17, R17 Pro, F9 Pro, R15, R15, A3S, A5, Find X, F7, रियलमी 1, A71, F5, R11, R11S और F3 Plus, F3 और F3 Plus वालों भी खुश रहो। तो भाई एक बात मुझे बता दो यार, आपका ये डिवाइस कौन से उसमें चल रहा है, मुझे आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे एक चीज़ भेज सकते हो तो प्लीज़ भेज दो यार, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपके लिए अपडेट का भी काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाना है और अबाउट फ़ोन में यहाँ पे आकर आप मुझे यहाँ का एक स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तब मैं आपके डिवाइस के लिए बता सकती हूँ कि आपको अपडेट मिलेगा कि नहीं, है ना। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ यार जल्दी से कर दो। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो बाकी के फिर यहाँ पर पूछा है F5 में आएगा अपडेट, हाँ भाई आएगा, अब तो आएगा मैं कह रहा हूँ। और ओप्पो A3s 6.0 नहीं आएगा तो भाई आएगा यार, ओप्पो A3s में जब C1 में आ गया, C1 तो एकदम रिब्रांडेड फ़ोन है ओप्पो A3s का, तो क्यों नहीं आएगा ओप्पो A3s में, ओप्पो A3s में पक्का आएगा, C1 में आ चुका है बीटा, और अब मुझे लगता है कि F9 में आ चुका है, अब इसके बाद R सीरीज में ही आएगा, R सीरीज वाले जैसे R15, R17, R17 Pro और बाकी सारे डिवाइसेस में आएगा। तो ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ओप्पो A3s को पक्का मिलेगा। अब आई बार ओप्पो F5 और
F6 वो सॉरी F5 और F7 वाली, तो F7 और F5 को तो पक्का मिलेगा अपडेट, क्योंकि F7 भी एक रीब्रांडेड फ़ोन है जो हमें रियलमी वन जिसका रीब्रांडेड कॉपी दिखता है ना। तो रियलमी वन और ये सारे यार एक ही सेम डिवाइसेस हैं, तो इनको तो पक्का मिलेगा अपडेट। आप लोग यार इतनी टेंशन मत लो, अपडेट पक्का मिलेगा सबको। और यहाँ पे हम चलते हैं अब, यहाँ पर आपको मैं जल्दी से बता दूँ, आप लोग अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप कर लो। अब आई बारी ओप्पो ए सीरीज के यूजर्स की, जैसे A5 और A7 वालों की और A3s वालों की। तो ए सीरीज को तो पक्का भाई मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, क्योंकि ए सीरीज एकदम, ए सीरीज में आपको पता है ओप्पो A3s सबसे ज्यादा बिका है। ओप्पो का फोन, ओप्पो के बस तीन फोन सबसे ज्यादा बिके हैं 2018 में, जो है ओप्पो का, सॉरी 2018 में ही, जो पहला है ओप्पो A3s, दूसरा है ओप्पो F9 और तीसरा है ओप्पो K1। तो ये बात आप जरूर अंडर मतलब अपने दिमाग में रखो कि अगर ओप्पो के सबसे ज्यादा फोन बिके तो ओप्पो को अपना ब्रांड वैल्यू थोड़ी ना गिरानी है, A3s में पक्का अपडेट आएगा, है ना। ये बात याद रखो। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो आपने बहुत सारा प्यार दिखाओ इस वीडियो पे, और इस वीडियो को ट्रेंडिंग में, मतलब ट्रेंडिंग में कहाँ जाएगी, इस वीडियो को सर्च पेजेस पे तो पहुंचा दो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। तो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।